हाँ तो देखो एक चीज समझो, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग भी ट्राई करो, ऐसे अपने हाथ पे ऐसे हवा छोड़ो तो गर्म हवा फील होगी, ठीक है, ऐसे मुंह बड़ा रख के, राइट। अभी फूंक मारो तो ठंडी हवा फील होगी थोड़ी, हो रहा है ऐसा, ये गर्म आएगा ये ठंडा आएगा। हाँ तो दोनों केस में हवा तुम्हारे लंग्स के थ्रू आ रही है, तो तुम्हारे लंग्स में जो हवा होती है वो ज्यादा टेम्परेचर पे होती है, थोड़ी गर्म होती है। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हवा डायरेक्टली लंग्स से आ रही है, तो लंग्स का जो टेम्परेचर होगा वही तुमको हाथ में भी फील होगा, करेक्ट। बट अगर मैं ये ऐसे फूंक मारूं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, वो क्यों होता है, हेलो। तो कूलिंग थ्रू एडियाबेटिक एक्सपांशन, समझो। जैसे यहां से अगर तुम हवा को ऐसे भेजो तो हवा जो है यहाँ पे नोजल से उसको निकल के सडनली, जैसे ही हवा यहाँ पे नोजल से एंटर करके बाहर आ रही है तो सडनली उसको लार्ज एरिया मिली एक्सपांड होने को। तो जब सडन एक्सपांशन होता है तो ये सडन एक्सपांशन में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है विदाउट हीट एक्सचेंज। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एडियाबेटिक एक्सपांशन हो गया। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ओके तो तुम ग्राफ बनाओ यहाँ पे, तो ये तुम्हारा पीवी ग्राफ है ना। तो ये तुम्हारा एडियाबेटिक एक्सपांशन है, ये एडियाबेटिक है और ये तुम्हारा आइसोथर्मल है, राइट। तो देखो आइसोथर्मल मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एडियाबेटिक क्योंकि वहां से नीचे जा रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, राइट। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए जब तुम मतलब फूक मारते हो तो फूक जब मारते हो तुम्हारे माउथ की जो ओपनिंग होती है स्मॉल होती है यहाँ पे, अगर तुमको तुम्हारे माउथ समझे तो तुम्हारे माउथ की ओपनिंग स्मॉल है, तो अंदर से जो तुम्हारे लंग से हवा आ रही वो गर्म है, पर जब वो बाहर निकलेगी तो बाहर निकलती वो सडनली उसको एक्सपांशन मिला, तो बिकॉज ऑफ द सडन एक्सपांशन उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो वो तुमको उतनी गर्म नहीं लगती या फिर कई बार ठंडी हो जाती है। ओके तो ये होता है रीजन कि तुमको जो है हवा कभी गर्म लग रही है कभी ठंडी लग रही है, ठीक है। इसका एक और रीजन है, ठीक है, ये तुम्हारा रीजन वन हो गया, ठीक है। अब रीजन टू देखते हैं हम, रीजन टू क्या है कि जब यहां से तुम्हारी एयर बाहर आ रही है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन जो बोल दो, किसके नीचे, नहीं यही लिख रहा हूं अभी, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल जहां पे वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी अगर तुम्हारी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। अगर हमने हाइट सेम रखी, पर इसका अपोजिट भी होता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो प्रेशर कम होगा। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है आसपास की हवा जो है रेस्ट पे है, नियर बाय एयर एट रेस्ट, तो नियर बाय एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका प्रेशर कम होगा, और जबकि यहाँ पे आसपास में प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो आसपास की हवा है वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होगी। ओके तो आसपास की हवा का टेम्परेचर तुम्हारे लंग के गैस लंग से कम होगा, तो जब तुम्हारी यहाँ से हवा बाहर आ रही है तो आसपास की थोड़ी लो टेम्परेचर की हवा भी उसके साथ मिक्स होती है, तो इसलिए टेम्परेचर और ज्यादा ड्रॉप होता है।
ओके, तो दिस इज योर रीजन नंबर टू कि तुमको फूक मारने पे हवा थोड़ी ठंडी लगती है, तो ये नोट करो. राइट, तो जब तुमने मुंह बंद रख के हवा को ऐसे ब्लो किया तो ठंडी हवा लग रही है, तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे कूलर बनाने में होता है. बॉटल यहाँ पे फिक्स कर दी, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड जहाँ पे बड़ा माउथ है बॉटल का, वहां से गर्म हवा अंदर आएगी. ठीक है, अभी जैसे ही वो बॉटल के दूसरे एंड से बाहर निकलेगी, तो बॉटल का दूसरा एंड एक नोजल की तरह बिहेव करेगा, है ना. तो वहां से नोजल से निकलते ही हवा को सडनली बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगी एक्सपांड होने को. तो सडन एक्सपांशन से, एडियाबेटिक एक्सपांशन से उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है. ओके, तो इको फ्रेंडली तुम्हारा एक एयर कंडीशनिंग बन गया, ये खिड़की भी लगा दो और मस्त हवा आएगी. देखो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है. वैसे यहाँ पे तो डायग्राम में दिख रहा है कि मतलब ये 10 डिग्री से ड्रॉप हुआ है, क्योंकि देखो बिफोर वाले केस में 45 डिग्री सेल्सियस है लगभग, और आफ्टर वाले केस में 35 डिग्री सेल्सियस है. तो 10 डिग्री गिरा, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओनली 5 डिग्री गिरा है. ठीक है, अफ्रीका में भी ऐसा किया गया है, एक बार अफ्रीका का भी एक वीडियो देखा था. हाँ, थोड़ा मॉइस्चराइज भी कर लो, वहाँ पे पानी डाल दो और ठंडा हो जाएगा. ठीक है, अंकल जी देखा मस्त सो रहे थे अभी. तो तुम लोग फ्यूचर इंजीनियर्स हो, तुमको भी ऐसा कुछ करना है, करेक्ट? ट्राई टू बी इको फ्रेंडली, एनर्जी कंजम्पशन घटाओ. ओके,